हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। संडे इवनिंग को हम लोग जो पार्क गए थे, आपको मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं पोस्ट करूंगी। तो ये व्लॉग आपके पास आज आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे को। तो भाई हम लोग थोड़ा सा संडे को बाहर निकल जाते हैं, और वैसे भी अभी समर का सीज़न चल रहा है तो ये पार्क जाना तो बनता ही है। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे भीड़ होती है, और हम लोग को रात 8:30 बज गया था घर वापस आते आते। और घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और नज़दीक भी नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, बाइक से 10 मिनट्स का रास्ता है। मंडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई थी। जो भी मैंने शॉपिंग वगैरह की थी, जो मैंने आपको कहा भी था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आऊँगी, तो वो ये है, देख सकते हो आप। ये मंडे आफ्टरनून से स्टार्ट है, मतलब कुकिंग की कोई व्लॉग मैंने नहीं डाली है। ये देखिए क्वार्टर पैंट बहुत ही कम्फर्टेबल है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गया, तो मैंने एक पीस ले लिया अपने लिए समर्स में पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए लिया है इसको। तो इसका ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, ये स्ट्रेचेबल भी है और मुझे तो देखते ही पसंद आ गया, मैंने तो ले ही लिया इसको। तो 220 रुपीज़ लिया इसका, शॉप से मैंने लिया है, ऑनलाइन नहीं ख़रीदा था। और ये बच्चे के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए हाफ पैंट वगैरह ली थी, 3 पीस ख़रीदी थी मैंने, प्योर कॉटन की है, सेम शॉप से मैंने ली थी। तो सैंडो गंजी वाइट में नहीं थी अवेलेबल, तो बच्चों के सैंडो गंजी वहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो मुझे दूसरे शॉप में देखना पड़ेगा। तो ये सब भी अभी तो पहना ही नहीं है उसको, बस अब शुरू करूँगी पहनाना। ये समर्स आ ही चुका है ऑलमोस्ट, क्या मतलब आ ही गया है। बस ये आपको दिखाना था, ये जो भी शॉपिंग करी तो मैंने, क्योंकि मैंने बोला हुआ था आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, अच्छा कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट करके बताना ज़रूर, और जो मैंने अपने लिए ली वो भी आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा आपको। मुझे तो कलर वगैरह बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे कैमरे में बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, इतना ज़्यादा लाइट नहीं है मेरे पैंट का कलर, क्योंकि ये दिन के टाइम में मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर से जो लाइट आती है उसकी वजह से थोड़ा सा कलर में जो है इधर, ये भी थोड़ा डीप में ही है लेकिन बहुत ज़्यादा इतना लाइट लग रहा है इस दिन में। और मेरे हस्बैंड के लिए तो 2 पैंट पहले से ही ख़रीद लिया था, मतलब समर्स के एकदम स्टार्टिंग में ही, मार्च में के एंड में ही ख़रीद लिया था, तो हस्बैंड के लिए ज़रूरत अभी नहीं थी, तो हम दोनों के लिए चाहिए थी। और मेरे पास तो अभी नाइटी है, तो नाइटी मैंने नहीं ली है, तो अभी जो थोड़ा बहुत मैं डस्टिंग कर लूँगी। और आज की कुकिंग की कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं की थी, और ये ब्लॉग बहुत ही छोटा सा ब्लॉग जा रहा है आपके पास, मतलब संडे इवनिंग के बाद से पार्क जिससे जैसे घर आए हैं, रात तो बज गया था, लेट हो गया था, फिर मंडे को सुबह उठे तो लेट से ही उठे, तो वही है ना हड़बड़ी में मैंने इसीलिए कोई शूटिंग वगैरह वो सब किया नहीं। एक टेंशन हो जाती है ना, मतलब मंडे को ऑफिस वगैरह भी रहता है, अभी बेटा स्कूल नहीं जा रहा है तो थोड़ी सी हाफ टेंशन कम है मेरी, और अगर स्कूल रहता है ना तो मैं उतना लेट से मतलब संडे को वापस नहीं आती हूँ, स्कूल अभी है नहीं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट से जो है घर आई थी। और वैसे मन भी नहीं हो रहा था कि पार्क छोड़ के आई, इतना सुंदर हवा, अभी तो कई दिनों से मतलब 2-4 दिनों से बहुत अच्छी हवा चल रही है। और कल रात को बताऊँ मैं आपको, आज है ट्यूसडे, मतलब मंडे इवनिंग की बात करूँ, 7:30 अराउंड बहुत ज़ोरों की बारिश हुई, और लगभग ये बारिश 2 घंटे तक हुई। ठंडा सा वेदर हो गया था कल रात को, मतलब ट्यूसडे की बात, सॉरी मंडे की रात की बात कर रही हूँ, तो एसी चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब ठंडा ही लग रहा था। तो ऐसे ही बीच बीच में बारिश अगर होती रहे ना तो मज़ा आ जाता है ना, तो फिर समर्स ऐसे ही देखते देखते गुजर जाएगा, है कि नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया व्लॉग डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बस डस्टिंग हल्का फुल्का ही करना है, और ज़्यादा कुछ गंदा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक दिन बात करके मैं डस्टिंग तो करती ही रहती हूँ, और इतनी अभी हवा चल रही है ना इसलिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, धूल तो बैठ ही जाती है, और किसी किसी दिन होता है तो रोज़ भी हो जाता है, तो ऐसे ही चलते रहता है। तो अभी बेटा थोड़ा सा, मेरा लंच वंच मैंने उसको करवा दिया था उस रूम में, अभी वो
थोड़ा खेल रहा है, फिर मैं उसको सुला दूँगी थोड़ी देर में। और थोड़ी सी क्लिप मैंने बारिश की भी ऐड कर ली है। बेटा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, खुश की बारिश को देख के कौन नहीं खुश होता है, बच्चे तो और ज़्यादा। तो उसके हंसने की आवाज़ थोड़ी सी रिकॉर्ड हो गई है और लास्ट तक आप व्लॉग में बने रहे तो आपको पता चल पाएगा। अच्छा, रूम में ये जो आप अंधेरा देख रहे हो ना, ये मत समझना कि नाइट की वीडियो है, ये दोपहर की ही वीडियो है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मेरे रूम में इतनी ज़्यादा लाइट आती है ना बाहर से कि मतलब दिखता भी नहीं कोई चीज़ ठीक से, और गर्मी भी लगती है ना दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो। तो मैंने क्या किया, सारे पर्दे वगैरह लगा के रखे हैं, बेटा उस रूम में थोड़ा अंधेरा करके रखा है ताकि वो थोड़ा सा सो जाए खुद से भी, लेकिन मैं जब तक नहीं जाऊंगी ना वो सोता नहीं है, वो जगा ही रहेगा, उसका आंखें कभी बंद ही नहीं होती है, चाहे दिन हो या रात हो, वो जब तक मुझे लेटे हुए नहीं देखेगा तो उसको भी नींद नहीं आती है। और पता नहीं ये हैबिट उसकी कब जाएगी, जितना जल्दी हो सके इसकी हैबिट ये जाए तो मैं थोड़ा सा अपने लिए और ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँगी, है ना। तो बस ये शोकेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, बस इसमें भी हाथ चला रही है, लेकिन ये शीशे वगैरह थोड़े बहुत साफ़ तो करने ही होते हैं रोज़। शीशे वगैरह साफ़ रहने से ही ना थोड़ा सा क्लीन लगता है देखने में। तो बस डस्टिंग का काम मेरा था यहीं तक, और ये ब्लॉग मैं आज का रखती हूँ यहीं तक। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी, छोटी सी ब्लॉग जारी है आज आपके पास। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और अपना ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग को लेकर जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर। Thank you.